का गर्मा गर्म सांभर बड़ा। फैमिली एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फूड से दिल से के अंदर। और आज हम आपको लेके आ गए रोहिणी के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, ये सेक्टर 10 और 11 का डिवाइडिंग रोड है। और आज हम आपको एक ऐसी लेडी से मिलवाने वाले हैं जो करीब लास्ट 15 ईयर से एक स्टॉल को रन कर रही है, और साउथ इंडियन डिशेज के अंदर ये स्टॉल ना बहुत ही फेमस है। अगर तो आप लोग साउथ इंडियन से आते हैं? हाँ। तो जो आपका जो स्टाफ है सारा, ये सारा साउथ इंडियन? साउथ इंडियन। अच्छा, ये स्टॉल आप कब से रन कर रहा है? ये 12 साल से शुरू कर रहा हूँ। करीब 12 साल हो गए। और इसकी लोकेशन क्या है? इसमें लोकेशन सीएनजी पंप के 10-11 का डिवाइडिंग रोड है। और आपकी टाइमिंग किस टाइम है? 5 to 10। तो ये स्टॉल जो है, तो आप अकेले रन करते हैं या आपकी हेल्प के लिए? मैं हेल्प के, मेरे हस्बैंड, मैं दोनों मिला। अरे, हस्बैंड वाइफ लेके चलाते हैं आप? एक दो आइटम जो बहुत फेमस है जिसके लिए कस्टमर यहाँ पे दीवाने, वो बता दो मुझे। दाल वड़ा उत्तपम। दाल वड़ा उत्तपम जो है बहुत डिमांडिंग है। और जनाब, हम लगवा रहे हैं अपने लिए इनका जो बहुत ही फेमस है, इनका उत्पम है। तो इसका जो बेस बना होता है, डोसे वाला बेस ही होता है, सेम ही होता है या बेस अलग होता है इसका? सेम ही होता है। और ये क्या फिलिंग कर रहे हो भैया इसकी? टमाटर। ये प्याज और टमाटो की भैया कर रहे हैं इसमें फिलिंग। तो मसाले वगैरह ऐड करते हैं उसके अंदर कुछ? क्या बात है, एकदम लजीज ये उत्पम होने वाला है। ये डाल दी भैया ऑयल, ये बटर ऑयल। तो लीजिए जनाब, हमारा जो वन साइड से जो हाफ डन हमारा उत्पम हो गया था, बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। क्या बात, जैसे चीला होता है ना, बिल्कुल सेम इसकी मेकिंग है। आप देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी लग रहा है मुझे देखने। और दूसरी साइड से भैया जी प्रॉपर कुक कर रहे हैं। तो लीजिए जनाब, हमारे जो वड़े हैं वो हो गए तैयार, गोल्डन कलर के, क्रिस्पी क्रिस्पी। और आपको ना यहाँ पे यही है कि जब भी आप यहाँ पे आएंगे, आपको फूड एकदम फ्रेश मिलने वाला है, उसी गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। तो लीजिए जनाब, हमारा जो उत्पम है लगभग वो रेडी हो गया। भैया रेडी हो गया ना? क्या बात है। और भाई भैया ना इसे दोबारा क्रिस्पी कर रहे हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी ये तैयार हो रही है उत्पम की प्लेट। तो ये क्या भैया? लाल चटनी। लाल चटनी। तो टमाटो वगैरह की होती है, किस चीज़ की होती है? टमाटो होने है। और ये टिपिकल जो साउथ इंडिया में आपको सर्व की जाती है ना, ये इनकी नाली चटनी। और ये डाल रहे हैं अपना भैया सांभर। और ये हमारी प्लेट होगी बनके रेडी। पे बताते हैं, लोग ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। ये इनका उत्तपम है, आपको मैंने इनकी पूरी मेकिंग, इसके अंदर क्या है फिलिंग पूरी दिखा दी है। अरे वाह, ला शानदार, इतना गर्मा गर्म सांभर। और साउथ इंडियन लोगों को पता है आपको, उनके तो हाथ में जो जादू होता है। सांभर जो है गर्मा गर्म है। और ये इनकी जो टमाटो और प्याज की चटनी, सांभर के मुकाबले ये थोड़ी सी स्पाइसी है। और ये गोली चटनी मेरी फेवरेट है ये। तीनों जो टेस्ट है वो अपने आप में अलग है। हम ना किसी चीज़ को, तीनों आइटम को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। स्वाद के मामले में तीनों को एकदम बैलेंस मसाले यूज़ करें, और स्वाद एकदम टिपिकल जो साउथ इंडिया में होता है, साउथ इंडियन फूड का स्वाद में बिल्कुल वही है। तो ये इनका उत्तपम, एक बनाता हूँ बड़ा सा बाइट। थोड़ा सा हमारा जो उत्तपम ठंडा हो गया, क्योंकि हम लोग जरा शूट निकाल लेते हैं अपने वीडियो के लिए। तो एक बाइट लेते हैं। और तुम जो एकदम सॉफ्ट, वो जो भैया ने से, अब देखें
फीलिंग देखिए आप, टमाटो और ओनियन से भरा हुआ, वो बेस भी काफ़ी हैवी है, एकदम मोटा बेस है इसका, ऐसा नहीं है एकदम पतला हो, पापड़ सा हो तो खाने मज़ा ना है। और ये इनकी चटनी, एक बाइट की चटनी के साथ, अगर आप दिखा दें ये देखिए चटनी थिकनेस, ये देखिए चटनी इतनी थिक है ट्यूनर में जो जगह है ना वो पकड़ रखी है, लाजवाब। ये साउथ इंडियन फूड का जो खाने का मज़ा है ना वो साउथ इंडियन लोगों के हाथ से ही है, क्योंकि जो फूड है ये साउथ इंडिया का फेमस फूड है। और ये इनकी कोली चटनी, ऑसम भाई। और नेक्स्ट हमारा ये दाल बड़ा और सांभर बड़ा, ये दोनों आपको यहाँ पे मतलब गर्मा गर्म और फ्रेश बना के देते हैं आपकी आंखों के आगे, तो क्वालिटी की तो कोई दिक्कत है नहीं, क्वालिटी का जवाब है। बाकी इसमें सांभर वही नाली चटनी गोली चटनी जो भी है, और ये इनकी टमाटो की और प्याज चटनी, ये सर्व करी इन्होंने। सांभर के जो खाने का जो मज़ा है ना वो उसमें डिप करें थोड़ी देर, ये इसके जो फ्लेवर हैं वो सारे इसमें सोख लें, उसके बाद जो मज़ा है ना भाई साहब लाजवाब। तो फटाफट से मैं सांभर का बाइट ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बाइट ज़्यादा बड़ा हो गया मेरा। ये देखिए आप देख रहे हैं क्या बात है, क्योंकि सारे फ्लेवर अगर सांभर बड़े में आ जाएँ उसके बाद जो खाने में मज़ा है ना वो लाजवाब है इसका। जो बड़ा है ना वो अभी भी इतना क्रिस्पी है, जबकि मैंने इसे सामान डिप कर दिया। और सेकेंड दिन का ये दाल बड़ा जो चनी दाल का बना होता है, और अंदर में फीलिंग बहुत इसके अंदर है। देखिए मैं देख पा रहा हूँ ना, दाल है, टमाटो है, कुछ धनिया वगैरह भी इसके अंदर है और क्रिस्पी है। तो एक बाइट लेते हैं इसका, ये चटनी है इसके साथ। मुझे इसका तो कॉम्बिनेशन ज़्यादा बढ़िया लगा, क्योंकि दाल बड़ा ना वो फीका है और ये तीखी है, तो कॉम्बिनेशन मुझे सही लगा इसका, लाजवाब। भाई फूड जो है टू गुड है भाई, इनके दोनों ही फूड ना बिल्कुल बेहतरीन है, एकदम वैल्यू फॉर मनी। तो अगर आपको साउथ इंडियन फूड ट्राई करना है रोनी के अंदर, तो आप दक्षिण स्नैक्स पे आ सकते हैं, फूड गारंटी मैं लेता हूँ, फूड फ्रेश है और टेस्ट के मामले में कोई टच नहीं, टेस्ट लाजवाब है। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो ऐसे जो दिल्ली के बड़े बड़े टेस्ट हैं, हम कोशिश करते हैं हर एक दिल्ली के कोने से आपके लिए दिल्ली के बड़े बड़े जायके लाए जाएँ। तो मिलते हैं आपको